परिवार जी आप बोलिए, प्रभारी मंत्री। आपने मुझे याद ही नहीं किया, आप स्पीकर स्पीकर की तरफ चले गए। आप ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने कोटा के कोचिंग छात्रों से जो शुरुआत करी, भारत सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हुई वो बात, लेकिन जो शुरुआत आपने की उससे भारत सरकार को लाचार होकर के जो है वो अपनी पड़ती, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं तो आपको। और अब वो लाइन इतनी खुल गई कि माइग्रेंट लेबर भी जा रही है और आ भी रही है, सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात, दूसरा धन्यवाद मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आपने ये घोषणा की थी कि जो खाद्य सुरक्षा में जो कवर है उसको तो मिलेगा राशन, लेकिन जो लोग 56 लाख आदमी जो खाद्य सुरक्षा में कवर नहीं है उनको चाहे राजस्थान की सरकार 21 रुपए किलो में गेहूं खरीद करके देगी, लेकिन देगी, वो चालू हो गया, उसका सर्वे भी चालू हो गया। जो बीएलओ हैं, जो मतदाता सूची बनाते हैं, वो बाकायदा उसका सर्वे कर रहे हैं और खास तौर पर उन लोगों को मिल रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर जहां जहां कर्फ्यू का एरिया है वहां वहां पर हजारों की तादाद में जो है वो किट बटना चालू हो गए। दो बात तो ये थी सर। तीसरी बात मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक कोटा जयपुर जिले का सवाल है, वहां पर जिला प्रशासन के द्वारा 1,13,00,000 और ग्रामीण क्षेत्र में 19,60,000 भोजन के पैकेट अभी तक बांटे गए हैं। मैं दूसरी बात भी कहूंगा आपसे कि देखिए, ये जो फल सब्जी वाले हैं, ये फल सब्जी जो ठेले वाले हैं, इन पर ये पाबंदी लगाई जानी चाहिए कि इनका लाइसेंस 7 दिन के अंदर अंदर रिन्यू हो। 7 दिन के अंदर अंदर रिन्यूअल होगा तो रिन्यूअल करवाने के लिए जब ये नगर निगम आएंगे तो उसी वक्त इनका सैनिटाइजेशन हो जाएगा। सैनिटाइजेशन जो करवाएगा उसी का रिन्यूअल होगा, ताकि ये प्रॉब्लम जो आती है कि सब्जी ठेले वाले जो है वो कोरोना फैला रहे हैं, इसको रोका जा सकता है। एक निवेदन और मैं करना चाहता हूं कि पुस्तकें ऑनलाइन डालें। अभी एनसीईआरटी की वेबसाइट पर तो है, लेकिन राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर ये डाउनलोड नहीं हो रही है। ये बच्चों के लिए पुस्तकें जो है अगर ऑनलाइन डालेंगे तभी जाकर के उनकी वो कुछ स्टडी कर पाएंगे। एक निवेदन मैं और आखिरी में करना चाहता हूं आपसे कि ये जो प्रचार किया जा रहा है के साथ कांग्रेस के क्षेत्रों में तो जो है फूक भोजन के पैकेट और किट जो है सरकार के द्वारा बजाए जाते हैं और दूसरे क्षेत्रों में नहीं बजाए जाते हैं। अभी लाहौटी जी ने कहा कि साहब मेरे सांगानेर क्षेत्र में कुल मिला के 11,000 पैकेट बटे हैं, ये बिल्कुल झूठ है, मेरे पास ये फिगर है। वो चाहे तो वो नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं, वो जाकर के नगर निगम के दफ्तर में जाकर के तलाश कर सकते हैं कि उनके क्षेत्र में कितने बटे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, सिविल लाइन्स में जो है कर्फ्यू था उसको उसमें कुल मिला करके अभी तक 38,343 पैकेट बट चुके कर्फ्यू था उसके बाद, जबकि कर्फ्यू में तो ज्यादा बटने चाहिए थे, लेकिन फिर भी 38,343 बटे। किशन पोल में 63,000 करीब बटे। हवा महल में करीब 41,000 करीब बटे। आदर्श नगर में 40,000 करीब बटे। मालवीय नगर में 14,000, वहां कर्फ्यू नहीं था तो इतनी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी 14,604 बटे वहां पर। अभी सांगानेर की बात करते हैं कि साहब 11,000 बटे, ये फिगर है मेरे पास, 33,200 पैकेट बट चुके हैं वहां पर, 33,000। ये शर्म आनी चाहिए, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए राजनीति की। भाई राजनीति में तो हम आप और हम मैदान में है, उसमें कहां दिखता है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मैं आपको पहले कह चुका हूँ, अभी सभी कोई भेदभाव की बात ही नहीं है, सब मिलते हैं। अपन ने कोई भेदभाव नहीं किया, यही देते हैं कि साहब ये इस तरह तो इस स्कीम में केंद्रीय सरकार ने दे दिया, इतना स्कीम में दे दिया, मान ले का मैं इतना दे दिया। अरे कोरोना में क्या है यार, ये तो बताओ। तो मैं बात कर लूंगा दारिवाल जी, मैंने बात कर ली कटारे साहब से, हम बैठ के बात करेंगे, दूर कर देंगे।